दोस्तों, मिस्टर बीन को तो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे, जो कि सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और अपनी बॉडी लैंग्वेज के सहारे ही बिना बोले ही सबको हंसा देते थे। क्या आपको 90 के दशक के इस टीवी प्रोग्राम के रियल करेक्टर मिस्टर बीन की जिंदगी से जुड़े कुछ और भी बातें पता हैं? अगर नहीं तो आज हम मिस्टर बीन की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो कि आपको जरूर जाननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर बीन का किरदार निभाने वाले एक्टर का असली नाम रोवन एटकिंसन है। इनका जन्म 6 जनवरी सन 1955 को इंग्लैंड में हुआ था। रोवन अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं और इन्हें बचपन से ही कॉमेडी करने का शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान ही मिस्टर बीन के करेक्टर की कल्पना करना शुरू कर दिया था। उस समय वे एक फ्रेंच कॉमेडी स्टार जैक्विस हेलोट से काफी प्रभावित थे और वे भी इसी तरह के किसी करेक्टर को बिल्ड करना चाहते थे जो कि बिना बोले बस अपनी ऊटपटांग हरकतों के दम पर ही लोगों को हंसा सके। क्या आपको पता है, मिस्टर बीन नाम को फाइनल करने से पहले भी उन्होंने इस शो के करेक्टर के 2 और नाम सोचे थे, जिनमें से पहला नाम उन्होंने मिस्टर वाइट रखा था, जिसे बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपना स्टेज नाम मिस्टर कॉलीफ्लावर रखा, लेकिन उनके सहयोगियों द्वारा इस नाम को भी अजीब बताते हुए नकार दिया और फिर लास्ट में सन 1989 में फाइनल नाम मिस्टर बीन रखा गया, जो बाद में जाकर पूरी दुनिया में काफी मशहूर हुआ। असल जिंदगी में एटकिंसन अपने स्टेज करेक्टर से बिल्कुल अलग है। वे एक वेल एजुकेटेड इंसान होने के साथ साथ यूके के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के क्लासमेट भी रह चुके हैं। मिस्टर बीन यानी कि रोवन एटकिंसन जेम्स बॉन्ड के भी काफी बड़े फैन हैं, क्योंकि उन्हें भी बॉन्ड की तरह ही एडवेंचर करना बेहद पसंद है। जिस तरह मिस्टर बीन टीवी सीरीज में अपनी कार से बेहद प्यार करते हैं, वैसे ही असल जिंदगी में भी वो स्पोर्ट्स कार को बेहद पसंद करते हैं और अपनी कारों को वे अपने एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। मिस्टर बीन कॉमेडी टीवी सीरीज के पहले वर्जन की ब्रॉडकास्टिंग सन 1990 में एडिनबर्ग फेस्टिवल के दौरान की गई थी। इसके बाद इस शो के एपिसोड हर हफ्ते के सैटरडे और संडे को टेलीकास्ट किए जाते थे और देखते ही देखते यह शो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं बचा था जहां इस शो को नहीं दिखाया गया हो। शो की इस सफलता को देखते हुए इस शो के मेकर्स ने इसे बच्चों में भी पॉपुलर करने के लिए एनिमेशन में भी बनाने का फैसला किया, जिसे बाद में सन 2002 में इस शो की एनिमेटेड कार्टून सीरीज भी टेलीकास्ट की जाने लगी। रोवन एटकिंसन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें एनिमेटेड सीरीज में और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें हर एक शॉट को कई बार परफॉर्म करना पड़ता था ताकि एनिमेशन आर्टिस्ट उनकी हर यूनिक मूवमेंट को अच्छे से कैप्चर कर सकें। लेकिन सन 2012 में अपनी बढ़ती उम्र के कारण उन्होंने मिस्टर बीन के किरदार को रिटायर करने का फैसला किया, जिसके बाद उनके नए एपिसोड कभी नहीं आए। इस कॉमेडी शो के अलावा भी वे हॉट शॉट्स, जॉनी इंग्लिश रिबॉन जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं, पर उन्हें असली पहचान मिस्टर बीन के करेक्टर से ही मिली थी। रोवन एटकिंसन के इस किरदार की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उन्हें सन 2012 के लंदन ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में भी कॉमेडी परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया गया था। आज रोवन एटकिंसन अपने साइड बिजनेस के साथ साथ कुछ फिल्मों में भी बिजी हैं और वे अब $130 मिलियन की संपत्ति के मालिक हैं। तो दोस्तों, आपको मिस्टर बीन का कौन सा एपिसोड सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।